दोस्तों, हमारे देश भारत में अब तक 100 से भी ज्यादा बाइक्स लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ गिनी चुनी बाइक्स ही ऐसी हैं जो कि लोगों को हमेशा याद रहती हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक स्पेशल बाइक की स्टोरी बताने वाले हैं जो कि 90s के दौर में हर एक यंग इंडियन के दिल की धड़कन हुआ करती थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस यमहा RX 100 के बारे में, जिसे आज भी भारत की सबसे फेमस व सबसे कामयाब बाइक्स में शुमार किया जाता है, क्योंकि आज मार्केट में जिस तरह का क्रेज रॉयल एनफील्ड बाइक्स के लिए देखने को मिलता है, 90s के दौरान ठीक वैसा ही क्रेज RX 100 के लिए भी हुआ करता था। यहाँ तक कि चोर और गुंडे भी इसके स्पीड और परफॉर्मेंस की वजह से क्राइम करने के लिए इसी बाइक का ही यूज किया करते थे। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि ये बाइक अगर इतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल थी तो फिर कंपनी ने इसका प्रोडक्शन सिर्फ 11 सालों में ही क्यों बंद कर दिया, और इंडियन रोड पर राज करने वाली ये बाइक अचानक सड़कों से गायब कैसे हो गई। तो फिर चलिए यमहा RX 100 के राइज एंड फॉल की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जापान की कंपनी यमहा हमेशा से ही हाई परफॉर्मेंस बाइक्स बनाने के लिए फेमस रही है, और यही वजह है कि आज भी इंडियन मार्केट में यमहा की कई सारी ऐसी बाइक्स मौजूद हैं जो कि लोगों के बीच में काफी ज्यादा डिमांड में रहती हैं। लेकिन आज के टाइम से थोड़ा पीछे जाकर 80s के दौर की अगर बात की जाए तो फिर वो समय भारत के अंदर यमहा के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था। दरअसल ये वो दौर था जब भारत की टू व्हीलर इंडस्ट्री ने प्रोग्रेस करना शुरू ही किया था, और जापान की कंपनी यामाहा भारत की इस प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। असल में यामाहा की वर्ल्ड फेमस RD 350 बाइक इंडियन मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। बेहद मजबूत व कैपेबल होने के बावजूद भी ये बाइक इंडियन मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गई थी। इस फेलियर ने यामाहा को नए सिरे से सोचने और नई स्ट्रेटेजी बनाने पर मजबूर कर दिया था। यामाहा ने देखा कि उस समय इंडियन मार्केट में सुजुकी AX 100 काफी ज्यादा सफल रही थी, जो कि एक 100cc की लाइटवेट बाइक थी। ऐसे में यामाहा ने भी इंडियन मार्केट की डिमांड के अनुसार अपना फोकस हैवी बाइक्स की जगह पर एक हल्के वजन वाली बाइक बनाने पर लगाया। अब यामाहा एक ऐसी बाइक बनाना चाहता था जो कि पावरफुल होने के साथ ही दिखने में भी शानदार हो, ताकि उस समय के इंडियन यूथ को इसके लुक से लुभाया जा सके। और यही वजह थी कि इस बाइक को डिजाइन करने और पूरी तरह से बनाने में कई सालों का समय लग गया था, और इस तरह से आखिरकार नवंबर 1985 में यामाहा ने इंडियन मार्केट के अंदर अपनी इस नई बाइक को लॉन्च कर दिया, जिसका नाम यामाहा RX 100 रखा गया। इस बाइक ने लॉन्च होते ही मार्केट में धमाल मचा दिया, और आने वाले लगभग 10 सालों तक इसने इंडियन टू व्हीलर मार्केट को सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया। वैसे सही मायनों में देखें तो RX 100 का डिजाइन यामाहा की कुछ दूसरी बाइक्स जैसे RS 100 DX और RX-S पर बेस था, जो कि USA और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में लॉन्च की गई थी। लेकिन RX 100 इन दोनों बाइक्स का एक बेहतर अपग्रेडेड वर्जन थी। ये बाइक 4 स्पीड गियर्स और 100cc के एक सिंगल सिलेंडर टू स्ट्रोक इंजन के साथ में आती थी, जो कि 11 BHP की पावर और 10.39 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। हालांकि पेपर पर ये स्पेक्स बेहद सिंपल नजर आती थी, लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के मामले में RX 100 एक पावर हाउस थी, और इसकी इसी पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से इसका निक नेम भी पॉकेट रॉकेट पड़ गया था। असल में जो चीज इस बाइक को इतना ज्यादा खास बनाती थी वो था इसका पावर टू वेट रेशियो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाइक इतनी ज्यादा लाइट वेट थी कि इसका कुल वजन सिर्फ 98 किलो था, और यही वो मेन वजह थी जो कि टेक्निकल स्पेक्स ज्यादा खास न होने पर भी इसे एक बेहद तेज दौड़ने वाली पावरफुल बाइक बनाती थी। दरअसल यामाहा RX 100 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7.5 सेकंड्स में ही पकड़ लेती थी, और इस तेज रफ्तार की वजह से ये बाइक ड्रैग रेसर्स के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, और इसका इस्तेमाल ड्रैग रेसिंग में भी किया जाने लगा था। रेसर्स इस बाइक में कई तरह के मॉडिफिकेशंस जैसे एक्सपेंशन चैम्बर्स, इंजन ट्यूनिंग, बड़े व्हील्स, बड़े कार्बोरेटर और क्विक थ्रॉटल करके रेस में उतरते थे। और दोस्तों, जिस समय ये बाइक रेस में दौड़ती थी तो लोग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाते थे कि यह सिर्फ एक 100cc बाइक है, और इसकी तेज स्पीड की वजह से ही लोगों के बीच में काफी अफवाह भी फैल गई थी कि RX 100 में 100cc नहीं बल्कि एक बड़ा और पावरफुल इंजन यूज किया गया है। और इन सभी अफवाहों और मॉडिफिकेशंस की वजह से कई बार रेस अथॉरिटीज को इस बाइक का इंजन खोलकर यह अश्योर करना पड़ता था कि ये वाकई में 100cc की बाइक है भी या नहीं।
अपने इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के अलावा RX 100 दिखने में भी बेहद शानदार और स्टाइलिश थी, जिसके चलते लॉन्च होते ही यह इंडियन यूथ की पहली पसंद बन गई। उस दौर के नौजवान इसके एग्जॉस्ट साउंड के दीवाने हुआ करते थे, जो कि मार्केट के दूसरी सभी बाइक से बिल्कुल अलग थी। और दोस्तों, जिस तरह से आज के समय में रॉयल एनफील्ड बाइक को मर्दानगी का सिंबल माना जाता है, ठीक वैसे ही लेट 80s और 90s के दौर में RX 100 भी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर थी। उस समय हर नौजवान इस बाइक को खरीदने के सपने देखा करता था, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम लोग ही अपने इस सपने को पूरा कर पाते थे, क्योंकि RX 100 को अफोर्ड कर पाना हर एक के बस की बात नहीं थी। दरअसल यामाहा कंपनी ने अपनी इस बाइक को 19,764 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया था। अब आज भले ही यह रकम हमें छोटी नजर आती है, लेकिन इन्फ्लेशन को अगर काउंट किया जाए तो उस समय की ये 20,000 आज के करीब 1,00,000 रुपए के बराबर होते हैं। अब दोस्तों, आज के समय में कोई कंपनी अगर 100cc बाइक को 1,00,000 रुपए की कीमत में लॉन्च कर दे तो फिर यकीनन उसे कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन RX 100 का जलवा कुछ ऐसा था कि लोग ना सिर्फ इसको खरीदते थे, बल्कि इसके डिलीवरी के लिए कई कई महीनों का वेट भी करते थे। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उस समय इंडियन फिल्मों में भी सबसे ज्यादा यही बाइक ही नजर आती थी। खास तौर से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तो इस बाइक को बहुत ही ज्यादा यूज किया गया था, और इसीलिए हर दूसरी साउथ मूवी के अंदर यह बाइक दिखाई दे जाती थी। इसके अलावा हल्के वजन व तेज रफ्तार की वजह से फिल्मों के अंदर स्टंट के लिए भी सबसे ज्यादा इसी बाइक का ही इस्तेमाल किया जाता था। और दोस्तों, अपने इन्हीं सभी खूबियों के दम पर RX 100 लोगों की फेवरेट बाइक बन चुकी थी, और लॉन्च होने के बहुत कम समय में ही इसे भारतीय रोड्स का राजा माना जाने लगा। खैर, ये तो हुई RX 100 से जुड़ी सभी पॉजिटिव पॉइंट्स की बात। चलिए अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, जो कि इस बाइक के पतन का अहम कारण बना। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि RX 100 का एक्सट्रीमली लाइट वेट होना इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, लेकिन साथ ही यही खूबी इस बाइक के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी साबित हुआ, क्योंकि इसी की वजह से लोग इसे लंबे समय तक तेज रफ्तार से नहीं चला पाते थे। दरअसल हल्का होने की वजह से यह बाइक हवा से टकराने पर हिलने लगती थी, साथ ही इसके टायर भी काफी पतले थे, जो कि इसे तेज रफ्तार पर पूरी तरह से ग्रिप नहीं दे पाते थे। और यही वजह थी कि RX 100 को तेज रफ्तार से चलाने पर अक्सर लोग एक्सीडेंट का शिकार बन जाते थे। इसके अलावा इस बाइक का दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह था कि इसका इस्तेमाल बदमाशों और लुटेरों के द्वारा भी काफी ज्यादा किया जाने लगा था। असल में इस बाइक की साइज और बेहद तेज पिकअप की वजह से क्रिमिनल्स को भागने में बहुत आसानी हुआ करती थी, इसीलिए क्राइम करके वो तेजी से 9-2-11 होने के लिए भी इसी बाइक का ही यूज करने लगे थे। और यही वजह है कि जिस तरह आज मारुति ओमिनी की छवि एक किडनैपर कार की बनी हुई है, ठीक वैसे ही RX 100 की छवि भी चोर लुटेरों की बाइक बन गई थी। इसके अलावा इस बाइक में कुछ छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन इनमें से एक भी कमी इतनी बड़ी नहीं थी कि इसके प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया जाए। ऐसे में यामाहा कंपनी ने 1996 में जब इस बाइक का प्रोडक्शन बंद किया तो फिर लोग पूरी तरह से हैरान रह गए थे। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन इसलिए बंद किया था ताकि इसकी कमियों को दूर करके इसका अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में उतारा जा सके। और फिर आगे चलकर कंपनी ने RXZ132 व RX135 बाइक को इसके अपग्रेडेड वर्जन के रूप में ही लॉन्च किया था, लेकिन जो सफलता RX 100 ने हासिल की थी वो सफलता इनमें से एक भी बाइक दोहरा नहीं पाई। और दोस्तों, इस तरह से जो बाइक कभी इंडियन रोड्स पर राज किया करती थी वो धीरे धीरे समय बीतने के साथ सड़कों से पूरी तरह गायब हो गई, और इस बाइक की जगह स्प्लेंडर और पल्सर जैसी दूसरी बाइक्स ने ले ली। और दोस्तों, आप लोगों को जानकर बेहद हैरानी होगी कि बाइक्स के शौकीनों के बीच में RX 100 की डिमांड आज भी इतनी ज्यादा है कि अच्छी तरह से मेंटेन करके रखी गई सेकेंड हैंड RX 100 आज भी 1-1.5 लाख रुपए तक आराम से बिक जाती है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।